बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकोनॉमिक्स विद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का हमारा टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। द फॉलोइंग टोटल रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन एंड फाइंड आउट दी मार्जिन रेवेन्यू एट 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें दरअसल कुल हासिल का तफौल दिया गया है और 200 इकाइयों की पैदावार पर मार्जिन रेवेन्यू मालूम करें। हमारे पास टोटल रेवेन्यू का फंक्शन मौजूद है और हम लोगों ने मार्जिन रेवेन्यू यानी मुख्तम हासिल को फाइंड करना है। जब हम लोग टोटल रेवेन्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें मार्जिन रेवेन्यू मालूम हो जाता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू डी टी आर ओवर डी एक्स, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स 10x माइनस 0.01 एक्स की पावर 2। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेते हैं, x का कोफिशेंट क्या है 10, तो यहाँ पे 10 आता है, माइनस x की पावर 2, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं, पावर मल्टीप्लाई होती है x के कोफिशेंट से, x का कोफिशेंट है हमारे पास 0.01 और पावर में से 1 को माइनस करते हैं। अब 2 को 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है जी माइनस का 0.02 एक्स 2 माइनस 1। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू 10 माइनस 0.02, 2 में से 1 को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स। अब हम क्या करेंगे, x की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। x हमारे पास है 200, x इज इक्वल टू 200, तो x की जगह क्या करते हैं उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू 10 माइनस 0.02, x की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 200। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू 10 माइनस 0.02 को 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 4। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू 10 में से 4 को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है 6। जब हमारी प्रोडक्शन यानी पैदावार 200 इकाइयां होंगी तो हमारे पास जो मुख्तम हासिल की इकाई है यानी फी इकाई मार्जिन रेवेन्यू वो 6 होगी। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। थैंक यू।